नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल स्ट्रीट स्टडी 247 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मार्केट की फटाफट न्यूज़। जो भी रिसेंट मार्केट की न्यूज़ है, डेली न्यूज़ है, वो हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ है COVID-19 वैक्सीन से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं, इंडियाज COVID-19 वैक्सीनेशन ड्राइव टू स्टार्ट सून। तो भारत में भी COVID-19 वैक्सीनेशन ड्राइव जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं, ये लाइव मिंट का लाइव आर्टिकल है। ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज नियरली 30 करोड़ पीपल विल रिसीव द जैब। तो सबसे पहले ये 30 करोड़ पीपल को ये दवाई मिल जाएगी, ये औषधि मिल जाएगी। आप देख सकते हैं, COVID-19 वैक्सीन विल बी ऑफर्ड फर्स्ट टू हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड टू द पर्सन अबव 50 ईयर ऑफ एज। तो ये तीन कैटेगरी के लोगों को सबसे पहले ये वैक्सीन प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आप देख सकते हैं, फाइजर, इसके अलावा सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड भारत बायोटेक ने ऑलरेडी अप्लाइड कर दिया है यहाँ पे, किसके लिए, फॉर COVID-19 वैक्सीनेशन। तो दोस्तों, जितना जल्दी ये वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो हम मान के चलेंगे उतने जल्दी कोरोना के केसेस भी, जो भी कोरोना की जो बीमारी चल रही है, उसके ऊपर लगाम लगनी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, यूके से न्यूज़ आ रही है, यूके कन्फर्म्स न्यू वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस दैट स्प्रेड्स फास्टर। तो आप देख सकते हैं, ब्रिटिश के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं मैट हैनकॉक, उन्होंने कहा है, दे हैव सेड साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड ए न्यू वेरिएंट इन द साउथ ऑफ इंग्लैंड विच इज़ मेकिंग इन्फेक्शन स्पीड फास्टर। तो यहाँ पे उनको एक कोविड का एक और वेरिएंट मिला है जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो दोस्तों, अभी भी यही कहना चाहता हूँ, प्रॉपर केयर कीजिए। एक तो सर्दियों का सीज़न है, आपको पता, नदरन इंडिया में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो प्लीज़ जितना हो सके अपना ध्यान रखिए। आप देख सकते हैं, न्यू कोरोना वायरस स्ट्रेन हैज़ ग्रिप्ड इंग्लैंड दैट स्प्रेड्स फास्टर एंड दस रिक्वायर्स ग्रेटर पब्लिक विजिलेंस, कन्फर्म द कंट्रीज चीफ मेडिकल ऑफिसर क्रिस विटी ऑन सैटरडे। तो या थोड़ा सा जितना हो सके, मैं यही कहना चाहता हूँ, अपना ध्यान रखिए। यहाँ पर एक न्यू वेरियंट आने की भी जो मार्केट में न्यूज़ चल रही है, आप देख सकते हैं, ये बिजनेस टूडे का जो आर्टिकल है वो मैं कवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट न्यूज़ है, तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा डिसीजन कल आ सकता है। आप देख सकते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट टू डिलीवर वर्डिक्ट ऑन अमेजोन फ्यूचर रिटेल स्पैट टुमारो। तो कल जो अमेजोन और फ्यूचर रिटेल के बीच में जो बेसिकली जो काफ़ी टाइम से आप देख रहे होंगे कन्फ्यूजन चल रहा है, काफ़ी झगड़ा चल रहा है, उसके ऊपर कल फाइनल डेट वर्डिक्ट आने के चांसेस है। तो दिल्ली हाईकोर्ट कल फाइनल वर्डिक्ट प्रोबेबिलिटी है दे सकता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको हो सकता है, तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी यहाँ पे हो सकता है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। अगर ये डील को अगर क्लैरिटी मिल जाती है फ्यूचर रिटेल के ग्रुप को, तो डेफिनेटली रिलायंस इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। ऑलरेडी हमने देख लिया कि रिलायंस का जो स्टॉक है काफ़ी टाइम से 1900 से इवन 2000 के बीच में काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट भी कर रहा है। तो इसमें हमें तेजी आती हुई देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जो भी फ्यूचर रिटेल के जो आपने देखा बिग बाजार या इजी डे के जितने भी स्टोर्स हैं, जो अराउंड 1400 के अराउंड स्टोर्स हैं, उनके ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज को डायरेक्टली कंट्रोल मिल जाएगा। तो एक वो पॉजिटिव न्यूज़ रिलायंस इंडस्ट्री के लिए हो सकती है, जिससे इनका डेफिनेटली जो रिटेल का बिजनेस है रिलायंस रिटेल का, इसके अलावा जियो मार्ट का बिजनेस है, उसको अच्छा बूम मिल सकता है। तो ये सारी न्यूज़ के ऊपर आपको देखना होगा, फॉलोअप करना होगा कि कल दिल्ली हाईकोर्ट क्या वर्डिक्ट सुनाता है। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं, तो दोस्तों, पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू रेज रुपीज 25,000 करोड़ इन 3 मंथ्स, DFS सेक्रेटरी। तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो आप कह सकते हैं डिपार्टमेंट रहता है जो फाइनेंस रिलेटेड, उसके रिलेटेड जो सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक आने वाले 3 महीनों में 25,000 करोड़ तक रेज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर प्लानिंग टू रेज अबाउट ₹25,000 करोड़ थ्रू ए मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट इन नेक्स्ट 3 मंथ्स टू सपोर्ट क्रेडिट पिकअप एंड मीट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। तो इन द लास्ट फ्यू मंथ आप देख सकते हैं, SBI, कैनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक ने रेज किया है 40,000 करोड़। तो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा, आप कह सकते हैं यूनियन बैंक, अभी इन्होंने ये सारा फंड्स इन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं हुआ है, तो हो सकता है इनमें अभी ये आता हुआ देखने को मिले और इन स्टॉक में थोड़ी तेजी देखने को मिले। बट दोस्तों, अभी मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको पब्लिक सेक्टर बैंक में कहीं जाना ही है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही जाइए। अगर आपको इसके अलावा, अगर HDFC और ICICI और कोटक महिंद्रा, अगर आपको प्राइवेट में जाना तो वहाँ जा सकते हो। पब्लिक सेक्टर बैंक में मुझे एक ही बैंक जो थोड़ा ठीक लगता है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देख सकते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा रिसीव्स रीअफर्मेशन इन क्रेडिट रेटिंग। तो आप देख सकते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा हैज़ रिसीव्ड रीअफर्मेशन इन क्रेडिट रेटिंग फॉर डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड बैंक फैसिलिटीज एज अंडर टोटल बैंक लोन फैसिलिटीज रेजिस्टेड एट ₹1,350 करोड़। आप देख सकते हैं, यहाँ पे बेसिकली जो इनको रेटिंग मिली है वो मिली है CRISIL AAA Stable। तो डेफिनेटली आपको पता है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बहुत बड़ी फर्म है। बीच में ये स्टॉक बहुत नीचे भी आया था, बट यही कहना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से इनको अच्छी रेटिंग आप देख सकते हैं मिल चुकी है। लॉन्ग टर्म रेटिंग CRISIL ने इनको स्टेबल रेटिंग दी है, तो आप चाहें इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि मैं जनरली आपको कोई बाइंग और सेलिंग की राय नहीं देता हूँ। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं, तो ITC से रिलेटेड दोस्तों न्यूज़ है, ITC क्लास
मेड टेक्स ओरिगामी रूट टू एक्सपेंड मार्केट। तो आप देख सकते हैं आईटीसी हर जगह यहाँ पे हमें मूव करता हुआ देखने को मिल रहा है। एफएमसीजी टू होटल टू टोबैको कॉन्ग्लोमरेट आईटीसी, आपको पता है इनका आईटीसी अभी एफएमसीजी में बहुत ज़्यादा कूद चुका है। इसके अलावा आपको पता है इनका टोबैको बिजनेस भी है, इसके अलावा इनका होटल बिजनेस भी है। तो आईटीसी अपने आप को हर तरफ से सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है ताकि इनका जो मार्केट शेयर है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाए, क्योंकि हमने देखा कोरोना के टाइम पे इनका होटल और टबैको का बिजनेस और इवन सिगरेट का बिजनेस भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। तो इसलिए दे आर आएंगे बिगर पाई इन द ₹6,000 करोड़ नोटबैक सेगमेंट बाई एक्सपेंडिंग क्लासमेट इट्स नोटबुक ब्रांड इन न्यू इनोवेटिव। आप देख सकते हैं वे से उनको इनोवेट करने की कोशिश कर रही है। द कंपनी इज इंट्रोड्यूसिंग, आप देख सकते हैं यहाँ पे ओरिगेमी नोटबुक अंडर इट्स न्यू क्लासमेट इंटरेक्टिव सीरीज टू फोस्टर क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन। तो कंपनी यहाँ पे अपना जो नोटबुक का बिजनेस है उसको भी आप देख सकते हैं पूरा एक्सपेंशन के मूड में है, पूरा एक्सपेंड कर रही है, क्योंकि कंपनी को हर तरफ से अभी रेवेन्यू की जरूरत है। कंपनी उस रेवेन्यू जो इनको बेसिकली इनका टोबैको और होटल सेक्टर्स का जो बिजनेस इफेक्ट हुआ है तो बाकी जो इनके सेक्टर है वहाँ से पूरा करने की कोशिश कर रही है। मतलब कि कंपनी लगातार मार्केट में कॉम्पिटिटिव रहने की पूरी ट्राई यहाँ पर करती हुई देखने को मिल रही है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। तो दोस्तों रिलायंस टू सेटअप वर्ल्ड्स बिगेस्ट शू, तो रिलायंस यहाँ पे आप देख सकते हैं जामनगर में इन गुजरात विल हैव वन ऑफ द बिगेस्ट शूज इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड स्पीसीज ऑफ एनिमल एट वन प्लेस। तो ये बेसिकली CSR पार्ट होता है किसी भी कंपनी का, दैट इज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इनको कुछ अपने प्रॉफिट का हिस्सा जो इनको बेसिकली प्रॉफिट होता है उसको अलग रखना होता है और उसको CSR एक्टिविटी में देना होता है। वो कॉरपोरेट की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सोसाइटी के लिए क्या करता है। आप देखते होंगे बहुत से बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी ये CSR एक्टिविटीज़ करती हैं। कभी कभी आप देखते होंगे इवन स्कूल्स होते हैं जो आप कह सकते हैं प्राइमरी स्कूल्स होते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं तो वहाँ पे बच्चों को फ्री में बुक्स बांटते हैं, या फिर इसके अलावा हमने देखा होगा कि वहाँ पे वाटर सप्लाई प्रोवाइड की जाती है, जो वाटर कूलर्स वगैरह होते हैं वो भी ये प्रोवाइड करते हैं अंडर CSR एक्टिविटी। तो ये भी इनका एक CSR एक्टिविटी के अंदर एक शानदार आप कह सकते हैं काम करने जा रहे हैं, गोइंग टू सेटअप ए यू इन जामनगर। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट न्यूज़ है आप देख सकते हैं टॉप टू टेलकोस कंसोलिडेटिंग मार्केट शेयर, वोडाफोन आइडिया लाइकली टू लॉस RMS। तो RMS बेसिकली क्या है, इट इज़ रेवेन्यू मार्केट शेयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वोडाफोन आइडिया का है का प्रॉब्लम क्या है, यही चल रहा है कि यहाँ से सब्सक्राइबर बेस बहुत ज़्यादा चर्न हो रहा है और ये रिलायंस जियो और एयरटेल में ज़्यादा जा रहा है। तो दोस्तों जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि इनका डेफिनेटली जो ARPU है या फिर आप कह सकते हैं जो रेवेन्यूज़ है वो कम होते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं, जिसका फ़ायदा एयरटेल और जियो दोनों कंपनीज लेके जा सकती हैं। आप देख सकते हैं टॉप टू कंपनीज जियो एंड भारतीय एयरटेल कंसोलिडेटिंग मार्केट शेयर मूविंग द इंडस्ट्री पॉसिबल टुवर्ड्स ए नियर टू प्लेयर स्ट्रक्चर। यहाँ पे नियर टू प्लेयर स्ट्रक्चर की बात हो रही है, विद वोडाफोन आइडिया फेसिंग द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ लॉसिंग RMS दैट इज रेवेन्यू मार्केट शेयर एज इट स्ट्रगल्स फाइनेंशियली अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाई IIFL सिक्योरिटीज। तो IIFL सिक्योरिटीज़ की तरफ से ये न्यूज़ पब्लिश की गई है कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर लॉस होने के कारण ARPU उनके कम हो सकते हैं। आप देख सकते हैं नेक्स्ट न्यूज़ यही है, जियो भारती कंसोलिडेटिंग मार्केट शेयर एट कॉस्ट ऑफ वोडा आइडिया। तो दोस्तों अभी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो ARPU जो करंट क्वार्टर के सितंबर क्वार्टर के एयरटेल के 162 थे, वही बात करूँ जियो के 145 थे और वोडाफोन की बात करूँ तो रफली 119 थे। तो अभी उम्मीद लगाई जा रही है कि भारतीय एयरटेल ये आने वाले क्वार्टर में या 2-3 महीनों में 200 लेवल तक ले जाएगा, बट वोडाफोन आइडिया को यहाँ पे पहुँचने के लिए अभी सब्सक्राइबर बेस बहुत ज़्यादा चाहिए और अगर इनको एकदम से भी पहुँचना होगा तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको अपने टैरिफ प्लान बढ़ाने पड़ेंगे। अगर ये टैरिफ बढ़ा देते हैं तो यहाँ से फिर से सब्सक्राइबर कहाँ पर चले जाएंगे, एयरटेल और जियो में चले जाएंगे। तो इन दोनों के फिर से यहाँ पे ARPU बढ़ जाएंगे, इसका ARPU और भी कम हो सकता है। तो दोस्तों देखना होगा कितनी जल्दी से यहाँ पे वोडाफोन आइडिया, आपने ऑलरेडी देखा होगा फंड्स इन्फ्यूज़न की बातें भी कर रही है, अगर ये जल्दी से इनका फंड्स इन्फ्यूज़न कंप्लीट हो जाता है तो हम कह सकते हैं कंपनी के लिए अच्छी न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि अगर फंड इन्फ्यूज़न करके ये अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर जोर देते हैं तो शानदार वो कंपनी के लिए आने वाले टाइम में प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं। अन्यथा आप देख सकते हैं ये मैंने IIFL की स्टडी में भी कहा गया है कि मार्केट विल मूव टू टू प्लेयर दैट इज़ रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्यूपोली भी क्रिएट हो सकती है। तो देखना होगा इसमें क्या कुछ गवर्नमेंट भी इनको सपोर्ट करती है या नहीं करती है, ऑलरेडी इनको AGR ड्यूज भी पे करने हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ वोडाफोन आइडिया में अगर आप कभी इन्वेस्टमेंट करने का भी सोचते हो तो उतना ही पैसा लगाइए कि कल को वो जीरो भी हो जाए तो आपको दुख ना हो, मैं यही बात आपको शुरू से कहता आ रहा हूँ। बाकी आपको लगता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी हेल्प ले सकते हो, बिकॉज आई एम नॉट SEBI रजिस्टर्ड। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।